अध्यक्ष जी आज आप अपनी ही सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए सबसे पहले सबसे तेज हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। भाजपा नेता के बेटे पर हुए हमले से नाराज, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं में देखने को मिला जबरदस्त आक्रोश। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता के बेटे पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नूरपुर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और थानाध्यक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोला। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में, देखिए आगे क्या हुआ। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आरोपियों पर एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान भाजपा नेता शिव अवतार निवासी ग्राम झाल ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटे पर 5 लोगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था। शिव अवतार ने बताया कि घटना को एक महीना बीत चुका है, लेकिन नूरपुर पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। आरोपियों के खुलेआम घूमने से परिवार को खतरा महसूस हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नूरपुर थाना प्रभारी के खिलाफ भी नाराजगी जताई और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। एसपी ने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही नूरपुर पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोगों मुझसे झूठ बोले हैं, उसको पता नहीं कैसे निकल भाई। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। रुक जा भाई, बहुत धीरे धीरे आना। आप पैर थोड़ा दबाओ, उसको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी आज आप अपनी ही सरकार में सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने के लिए एसपी ऑफिस तक पहुंचे, ऐसा क्या मामला है जो आपको इस तरह से आना पड़ा? हमारे यहाँ नूरपुर थाना क्षेत्र में हमारे मंडल उपाध्यक्ष शिव अवतार जी, उनका लड़का चांगीपुर मिल में नौकरी करता है सचिन, उसके साथ पिछली 26 तारीख को एक महीना एक दिन हो गया, कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर मारपीट की थी, जिसमें 307 452 मुकदमा दर्ज हुआ था। कप्तान साहब से पीछे हम मिले भी थे तो वहाँ के एसओ नूरपुर के, वो कप्तान साहब को सही बात नहीं बता रहे थे। अच्छे अधिकारी हैं एसपी सिटी साहब, कप्तान साहब, उन्होंने तब भी कहा, फ़ोन किया था, अब भी किया। बीच में कप्तान साहब छुट्टी थे, आ जाए। कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कार्यकर्ता पदाधिकारी का कोई बेटा पिता निर्दोष नौकरी करता, इसलिए हम सब आके मिले। कप्तान साहब ने हम सबकी सुनवाई की और जांच ट्रांसफर किया। क्या घटना हुई है इनकी, जो इंस्पेक्टर नूरपुर है, क्या तरह की कार्य? आप खुद ही देख लीजिए, एक महीना एक दिन हो गया, कोई काम ही नहीं किया। इस खराब कार्यशाली क्या हो सकती है, तो सरकार को बदनाम करना है काम करने ऐसे अधिकारी। कार्यशाली बहुत खराब। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं। वो कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी, जो भी दोषी हो उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए।